तो आज योगा डे है 21 जून और बाइक का वार्म अप हो रहा है। मुझे जाना सुबह सुबह PTAP। अभी 4:36 हो रहे हैं, गली में कोई नहीं है, ना इंसान ना इंसान की जात। अभी ऋषभ को उठाना है, निशान थोड़ी देर बाद आएगा 6:30 के आसपास। उसके बाद हम जाएंगे स्विमिंग करने। वार्म अप तो लगभग उसका हो गया, काफ़ी टाइम बाद निकलाऊँ मैं सुबह। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए निकलते PTAP, 5 बजे से पहले पहुंचना मुझे वहाँ। चलो आगे मैं सबका वेट कर रहा हूँ, इधर से आएगा वो। और कल मैंने एक टॉर्च खरीदी थी, जो आपको पता होगी ये री, इसका रिव्यू बताओ आप कैसी है। मैं इसको ऑन करता हूँ इधर, ये देखो ये कितनी बढ़िया आपको दिख रही होगी, कहाँ तक जा रही है। एक ये इसमें लाइट और है, काफ़ी अच्छी है। 5 बज गए, कुछ लोग आ गए, मैं भी आ गया। गेट नहीं खुल रही थी, ये है PTAP का क्रिकेट ग्राउंड और यहाँ पे मैट्स वगैरह लगा दिए उन्होंने कुछ इस तरीके के। 5:15 हो रहे अभी और लोग आने स्टार्ट हो गए। मैं तो नींद में लग रहा हूँ, नींद नहीं खुली अभी तक। तो ये रही शिव नरेश की टी शर्ट और योगा स्टार्ट होने वाली है। लोग सब बैठे हुए हैं, ये देखो टेंट कितना बड़ा टेंट है। तो अभी मैं आ चुका हूँ निज़ामुद्दीन बस अड्डा, जिसको कालेखा के नाम से बहुत से लोग जानते हैं। और आपको पता नहीं होगा अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ निकल रहा हूँ, मैंने बताया भी नहीं है अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये रही मेरी बस, मम्मी के साथ जा रहा हूँ और आगे हरियाणा साइड मेरे भैया भाभी और उनके बच्चे भी जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो निकलते हैं अभी, 20 या 25 मिनट्स में यहाँ से बस चल देगी और उसके बाद मिलते हैं। और मैंने अभी अपनी टी शर्ट चेंज कर ली, कॉटन की पहन ली क्योंकि गर्मी हो रही है काफ़ी थोड़ी बहुत, क्योंकि बस अभी चल नहीं रही तो काफ़ी गर्मी लग रही है इस वजह से। चलो मिलते आगे। तो मैं हूँ अभी होटल से थोड़ा सा आगे जहाँ पे एक पार्क है डपचिक और चाय की इसके अंदर में। यहाँ पे हमारी बस, ये रही हमारी लेफ्ट वाली बस और ये रही हमारी फैमिली मेंबर। हाय गुड्डू, ये रही शैतान बच्ची, ये बहुत मुझे परेशान करेगी और मैं इसको पूरे ट्रिप पे हम दोनों की लड़ाई होती रहेगी। और ये रही इसकी बड़ी दीदी क्योंकि सारी बर्फ से पी गई और मुझे लग रहा है गिलास भी खाने वाली है। मैं कह रहा हूँ और पीनी है नहीं। तो अलवर हमारी बस रुक गई, अब हम होटल लेके रूम लेंगे, आगे जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा वहाँ रूम लेकर और फिर जाएंगे सुबह। शैतान बच्ची आ जा, शैतान बच्ची
सो वी आर रीच्ड एट बालाजी टेम्पल। मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुके हैं और अभी धर्मशाला या फिर होटल वगैरह देख रहे हैं कौन सा बेटर लगता है। वहाँ रुकते थे, अंदर से रूम दिखाऊंगा मैं आपको। रूम चेक करने जा रहे हैं अभी हम। बताइए भाई कैसा रूम है? देखिए बताया, ऐसे नहीं बता सकता। तो यहाँ रूम है, सेकेंड होटल में आए रूम देखने। यहाँ देखते कैसा है, हम बताना कमेंट करके कौन सा बेटर था। थर्ड रूम की बारी है। नो कॉम्प्रोमाइज फिफ्थ रूम। तो हो गई सुबह और नहा धो के सब रेडी हो गए, मंदिर जा रहे हैं। फिर जाएंगे पहाड़ पे ट्रैक करने। अभी हम मंदिर के रास्ते में, मंदिर आ गया।
से हमने दर्शन कर लिए और अब यहाँ पे कुछ खाने आए हैं ब्रेकफास्ट करने। वो रहे सारे मेंबर्स अंदर। ये कौन सी कार है, इसको को क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। ये मैंने 12-13 साल पहले यहीं देखी थी। ये बहुत बड़ी मूर्ति है, हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति है बालाजी में। 15 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था उस टाइम ये रेनोवेट हो रही थी, पूरी बन गई थी, बट इस पर पेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। गुफा दिखा के ला भाई मुझे, चल। तेरी मूर्ति हनुमान जी की। पता लोग है क्या फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। श्री राम जानकी बैठे रहे थे। ये क्या है? अच्छा, जब नाव में आ रहे थे श्री राम। हाँ। ये विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र के साथ श्री राम सीता ब्रह्म जी ऋषि हमारा एग्जिट पॉइंट। और ये शैतान लड़की श्री राम सीता। रहा 3 पार अभी हम यहाँ पे ट्रैक स्टार्ट करेंगे। अभी कर सकते हो और पता भी नहीं। अभी जूते पहनने हैं यार। अब ये हाल है इस रूम का। ये वाला रूम लिया था हमने, मुझे इसकी नंबरिंग नहीं पता, बट अब इसका देखो क्या हाल कर दिया हमने। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो हो गए हमारे दर्शन, सब कुछ हो गया, पहाड़ पे जाना रह गया। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। Thank you.